कि हम लोग इसी बहाने जो है एक परिवार के सदस्य की तरह हम लोग मिलते हैं। स्टूडेंट और टीचर जो है एक परिवार का सदस्य और एक अंग होता है। टीचर का काम स्टूडेंट बाहर नहीं होगा, स्टूडेंट का काम टीचर बाहर नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इस मौके पर सब एकजुट होते हैं और एकजुट होकर के एक दूसरे से मिलते हैं और अपने आप में शो करते हैं कि टीचर और स्टूडेंट में क्या रिलेशन होता है। सर, इससे हम लोग का बहुत अपनापन का महसूस होता है, अनुभव होता है कि हम लोग अपने सब हैं, कोई दूसरा नहीं है। और हर स्टूडेंट को चाहिए कि अपने शिक्षक के साथ मिले, क्योंकि यही एक मौका होता है मिलने के लिए टीचर और स्टूडेंट को। देखिए, आज हम लोग का 5 सितंबर है और 5 सितंबर जो है हम लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे जो है से बहुत बड़ा कारण है कि शिक्षक दिवस जो है से क्यों मनाते हैं। सर, तो देखिएगा, शिक्षक दिवस होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर ही मनाया जाता है। उन्हीं के याद में ये पर्व जो है पूरे भारत वर्ष में लोग मनाता है। इनका नाम भारत में नहीं, विश्व में नाम जो था इनका विख्यात। देखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में तिरुतनी गांव में हुआ था। इनका प्रारंभिक पढ़ाई जो है तिरुपति में ही चला था, प्रारंभिक और माध्यमिक पढ़ाई। ये बहुत जो है साधारण परिवार में जन्म लिए थे और इनका परिवार जो है बहुत सुबह से धार्मिक था और इनका लगाव जो है सुबह से शिक्षा से ज्यादा था। ये अपना नाम के आगे सर्वपल्ली पल्ली इसलिए लगाते थे कि उनको पूर्वज का गांव ही सर्वपल्ली था, इसीलिए ये अपना नाम के आगे सर्वपल्ली लगाते थे। इनका प्रारंभिक पढ़ाई जो है अपने गांव में ही किए थे, प्रारंभिक और माध्यमिक, और 1905 ईस्वी में मद्रास में क्रिश्चियन कॉलेज था, वहां से ही अपना पढ़ाई जो है बीए और एमए का पढ़ाई किए थे, बीए और एमए का। धीरे धीरे जो है डिग्रिया लेते रहे और अंत में 1909 ईस्वी में 21 वर्ष की अवस्था में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज का प्रोफेसर बने थे, दर्शन शास्त्र का बने थे। और इन्होंने दर्शन शास्त्र में अनेकों ग्रंथ लिखे थे, करीब करीब जो है लगभग 150 के आसपास इन्होंने पुस्तक लिखे थे। इनका पहला जो पुस्तक था फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर था, इनका पहला पुस्तक का नाम था। और ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं इंडियन फिलोसफी इन्हीं का लिखा हुआ है। और इन्होंने अनेकों ग्रंथ, अनेकों दर्शन शास्त्र जो है यानी लिखे थे। और विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चीज जो है इन्होंने प्राप्त कर लिए थे। इस राधा कृष्णन, इनको जो है शिक्षा से शुरू से लगाव था और अंतिम तक इनको लगाव बना रहा था।
इन्होंने कहे थे कि चिड़िया की तरह आकाश में उड़ना, मछली की तरह पानी में तैरना, हमें भी जो है मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें भी सड़क पर चलने के लिए सीखने पड़ेगा। इन्हीं का सिद्धांत था जी सर्वपल्ली राधा कृष्णन का ही सिद्धांत, उसी पर जोर देकर के मानवता पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था कि मानव जब दानव बन जाता है तो उसका पराजय की संकेत होता है, और मानव जब महामानव बन जाता है तो उसका चमत्कार का संकेत होता है, और मानव मानव के रूप में रहता है उसका विजय का संकेत होता है। ये मानवता पर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने कहे थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र के जब ग्रंथ लिखे थे तो बहुत सारे अष्टपनिया बहुत सारे जो था सिद्धांत अपना दिए थे, इन्होंने बताए थे दर्शन शास्त्र के माध्यम से कि मनुष्य जो है ईश्वर का ही प्रतिमा है, मनुष्य के आंतरिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, मनुष्य में जो ज्ञान होता है आंतरिक में वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। इस सब को वर्णन अपने दर्शन शास्त्र से ही किए थे। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य होता है मनुष्य के जीवन की व्याख्या करना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है जीवन को बदलाव कर देना। ये नहीं कि किसी का जीवन का व्याख्या कर रहे हैं, दर्शन शास्त्र का ये अर्थ नहीं होता है। दर्शन का मुख्य अर्थ ही होता है जीवन को बदलाव कर देना। तो इन्होंने अनेकों दर्शन शास्त्र में ग्रंथ अपना लिखे और लिख करके दर्शन के बारे में बताए और पूरा उसको विस्तार वर्णन किया। एस राधा कृष्णन जी, एस राधा कृष्णन काशी विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मैसूर, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय का कुलपति बने रहे थे, मने कई गो के जो है कुलपति रह चुके थे अपने जीवन में। ये दर्शन शास्त्र के दर्शन विभाग के अध्यक्ष भी बने थे, इनको ब्रिटिश सरकार ने सर के उपाधि से भी सम्मानित किया था, जर्मन सरकार ने इनको जर्मन बियर लेट मेरिट के उपाधि से सम्मानित किया था, मंगोल सरकार ने भी इनको सम्मानित किया था। तो इनको कई देश जो है इनको अनेकों उपाधियां दे करके सम्मानित किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन 1950 ईस्वी में रूस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था 1950 में, और उन्हीं को 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में बने थे। तो उपराष्ट्रपति जो हैं 62 साल तक रहे थे, हमारे देश का पहला उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहे थे, भारत का दूसरा राष्ट्रपति और भारत का पहला उपराष्ट्रपति के पद में रहे थे। 1962 से 67 में जब राष्ट्रपति के पद पर थे तो उसी समय हमारे देश से झगड़ा हो गया था, युद्ध छिड़ गया था, भारत और चीन के बीच 1962 में लड़ाई हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में लड़ाई हुआ था, इन्हीं के शासन काल में हुआ था। तो कभी क्वेश्चन भी पूछता है
कि भारत चीन के साथ जब लड़ाई हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पाकिस्तान के भी साथ हुआ था उस समय वही थे जी। तो इन्होंने सैनिकों को अपना भाषण से मनोबल को बढ़ाए थे, ये अपने खुद जा करके सैनिक के बीच में लोगों को इकट्ठा करके भाषण दे करके सब सैनिकों को मनोबल बढ़ाए, तब जाकर के लड़ाई में सब सफल हुआ था। इनको लोग भाषण देने के लिए देश विदेश में बुलाता था, पुकारता था जी। इनको पहले ही निमंत्रण दिया जाता था, क्योंकि भाषण कला में और दर्शन शास्त्र में निपुण थे, और भाषण से अनेकों विद्वान का, अनेकों नागरिक का विचार को मोड़ देते थे, नया जीवन में मोड़ ला देते थे। इसलिए इनको लोग सम्मानित हमेशा करते थे। 1967 के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जब पद छोड़े थे तो अंत में ही सन्यासी का जीवन व्यतीत किए थे, सन्यासी बन गए थे एस राधा कृष्णन। फिर उसके बाद 16 अप्रैल 1975 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश में तिरुतनी गांव में हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 16 अप्रैल 1975 ईस्वी को। इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जब हम लोग कंपटीशन का एग्जाम लेते हैं उस समय क्वेश्चन पूछते रहता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1954 में सम्मानित किया गया था। इनको राजनीतिक दाव पे जो था इनको कुछ नहीं बिगाड़ा था, इनको राजनीतिक वगैरह कोई कुछ नहीं किया था, ये अपना लक्ष्य जो प्राप्त करना चाहते थे लक्ष्य को पूरा किए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत महान शिक्षाविद थे, तो शिक्षाविद और गुरु भी थे। लोग कितनों ऊंचा ऊंचा पोस्ट पर चला जाएगा, लेकिन इनके सामने जो है उनका जब भी रहता था तो नीची रहता था और उनको याद एक बार जरूर करता था इस राधा कृष्ण जी को। मतलब शिक्षाविद में निपुण, भाषण में निपुण थे और सभी को विचारधारा को मोड़ देते थे। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में इनके याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, और अनेकों तरह का ये अपना सिद्धांत दिए थे। स्कूल कॉलेज में जब पढ़ाते थे तो हमेशा स्टूडेंट से स्टूडेंट के विचारधारा को मोड़ देते थे। तो इनमें बहुत ऐसा ऐसा इनके पास सिद्धांत था, ऐसा ऐसा इनके पास ज्ञान था कि कोई भी बच्चा को निगेटिव माइंड में रहता था तो ये पॉजिटिव जो है यानी करते थे, हमेशा पॉजिटिव सोच बताते थे। तो उसी के खुशी के ऊपर आज हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, इन्हीं को याद करते हैं। और आज हम और कुछ आप लोग से कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि शिक्षक और विद्यार्थी में एक अलग रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को सही ढंग से निभाइएगा, सही तरीका से चलिएगा। तो बता देते हैं कि जैसे शिक्षक बताते हैं उस रास्ता पर चलिए, उस मार्ग पर चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। टीचर कभी नहीं चाहता है कि मेरा स्टूडेंट जो है से गलत लाइन पर चल जाए, लेकिन अभी के समय में कुछ टीचर होते हैं कि स्टूडेंट के प्रति निगेटिव तुरंत भर में सोचना चालू कर देते हैं, लेकिन वैसा टीचर को नहीं सोचना चाहिए।
तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है जो हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और कम समय में सफलता लीजिए। कभी माइंड में वैसा अगर निगेटिव बात चलता है या निगेटिव सोच होता है तो उसको माइंड से हमेशा निकाल दीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। अगर कोई आपको बच्चा लोग गलत लाइन फरार के फेरा में लगल है तो गलत लाइन कभी नहीं पकड़िए, हमेशा पॉजिटिव। जैसे वो गलत लाइन पकड़ाना शुरू कर दे उसे बस हल्का सा कमी काट के अलग हट जाइए, ये नहीं कि उसी के साथ हम भी ढुल जाए। तो ढुल जाइएगा तो आगे जीवन में सक्सेस नहीं करिएगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे बताया जा रहा है उस तरीका से आप जो है अध्ययन कीजिए। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है कि आपको हर जगह मान सम्मान प्रतिष्ठा हर जगह आपको बचा सकता है, और किसी को अगर झुकाना है तो आप शिक्षा के ही माध्यम से झुका सकते हैं। आपके पास शिक्षा रहेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा तो बहुत आगे जीवन में कष्ट होगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक एज है तब तक यावर में जीवन में अपने लगा रहिए, और हमेशा सोच रखिए कि हम सरकारी नौकरी ही प्राप्त कर ले, क्योंकि हम लोग सिंपल घर से बिलोंग करते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त कर लीजिएगा तो समझिएगा कि आगे कितना पीढ़ी जो है से सुधर जाता है। अरे प्राइवेट तो सब दिन कमाना है, यह है वो प्राइवेट कभी भी कमा सकते हैं। तो जहां तक मेरा अनुभव है कि जब तक उम्र है, जब तक बच्चे तब तक एकदम लगा रहिए। गार्जियन आपको सपोर्ट नहीं करता है पैसा से चाहे और किसी चीज से, तो अपने आप में खुद जो है डिसीजन लेवे पड़ेगा। कोई भी किसी का माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा चोर और बदमाश बन जाए, सबका माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी एक अच्छे इंसान बन जाए। माँ बाप के पास जितना दौलत होता है उतना वो लगा देता है, लेकिन बच्चा को ये नहीं चाहिए कि चलो गार्जियन पैसा नहीं दे रहा है तो हम नहीं पढ़े। नहीं, ठीक है गार्जियन नहीं सब पैसा दे रहा है तो आप अलग कुछ काम करके पढ़िए, मेहनत करके उसको एक्स्ट्रा में 2 घंटा पार्ट टाइम काम कीजिए, और किसी तरह से आप जो है सरकारी नौकरी लेने का कोशिश कीजिए। तो इस यही चीज हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि सब लोग इस पर मेहनत कीजिए, और मेहनत से अपने भी कीजिए और दूसरों को भी करवाइए। कभी माइंड में निगेटिव कभी नहीं सोचिए। देखिएगा हम लोग का अभी देख रहे हैं कि अभी के समय में बहुत सारे सरकारी नौकरियां जो हैं से बंद हो रहा है, तो जो भी बच रहा है उस पर भी लड़ के लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में बहुत कड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। और ये नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रहा है तो हम पढ़ने के लिए छोड़ दें, ऐसा आप नहीं कीजिए। जब तक आपके पास समय है जब तक आप पढ़िए। हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता देंगे, लोग कह देता है कि अब हमको गार्जियन सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे हम शादीशुदा हो गए चाहे बाल बच्चेदार हो गए, तो ऐसा नहीं है। नौकरी लेने वाले कुछ भी हो जाएगा वो अपना लक्ष्य ठान लेता है तो पूरा कर ही लेता है, वो पूरा कर लेता है। तो मेरे तरफ से जितना भी बनता है तो लोग को हमेशा पॉजिटिव बताते रहते हैं, जितना हो सकता है उतना हमेशा प्रोत्साहन करते हैं कि भाई पीछे नहीं हटो, हम तुमको साथ देंगे और साथ रहेंगे। कुछ विद्यार्थी जो है लॉकडाउन के चलते पढ़ाई नहीं हो रहा था तो उसमें फोन लोग किया कि सर आइए से हम लोग का पढ़ाई जो है से दिक्कत हो रहा है, ठीक है देखते हैं। तो उसमें कहें कि पहले अपने घर पर स्टडी कीजिए,
तो धीरे धीरे जब यहाँ पर आए तो कुछ लोग से मिले, हम लोग अपना पढ़ाई चालू किया, तो जितना हमसे बना उतना हम सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट में कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने सर जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, हम एनी टाइम पढ़ने वाले स्टूडेंट को हम सपोर्ट करते हैं, और नहीं पढ़ने वाले को भाई तो कोई उपाय नहीं है मेरे पास, आप फाकाबाजी मारिएगा तो वैसा नहीं होता है पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई में आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपको रिश्ता, कोई आपका परिवार, कोई नहीं साथ देगा, साथ देगा तो बता देते हैं कि आपके पास हुनर और शिक्षा ही साथ देगा, और दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है। अब हम कह देते हैं कि हम आपको साथ जिंदगी भर देंगे, गलत। कोई कहता है माता पिता कि हम जिंदगी भर साथ देंगे, वो गलत बताता है। वो देगा तो भाई एक विद्या ही देगा जी आपको साथ, और वही आगे आपको बढ़ाएगा। तो इसीलिए मेरे तरफ से यही आपका आज का शुभकामना रहेगा कि मेहनत जबरदस्त कीजिए, कोई पढ़े या नहीं पढ़े अपने पढ़ने पर रहिए, ये नहीं कि फलना नहीं पढ़ेगा तो हम भी नहीं जाए, एक दूसरे को देखा हिस्की नहीं कीजिए, पॉजिटिव बोला है बात तो उसमें कीजिए ना, रेस कीजिए ना कि भाई वो आगे पोस्ट पर तो हम भी उसको पीछा करे, अभी नहीं अति करे क्यों ना जा रहा तो हम नहीं पढ़े जाएंगे, बताते हैं ऐसा दिमाग में नहीं बैठाइए, जीवन में आपको कष्ट है क्योंकि आप में ऐसा हुनर है कि आपको सही ढंग से सही तरीका से सपोर्ट किया जाएगा तो आप बहुत ऊंचे पोस्ट पर चले जाएगा, क्योंकि मेहनत आप करिएगा, मेरा गाइडलाइन क्या रहेगा आपके साथ, और बहुत के पास जो है कुछ हल्का फुल्का जान लेता है तो उसको में घमंड टाइप का ये चीज आ जाता है, और आप बड़े लोगों को आदर करना वो विद्यार्थी जो है से भूल जाता है। तो हम आपसे बता देते हैं कि कितनों बड़ा से बड़ा हो जाइए, कितनों ऊंचा से ऊंचा पति पर चल जाइए, आपको जब तक माता पिता गुरु का आशीर्वाद नहीं रहेगा तब तक आप जीवन में सक्सेस नहीं करिएगा, ये आपको जरूर चाहिए। सबसे पहले जो है आज शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस के ही शुभ अवसर पर हमने क्लास को शुरू किए थे, हम तो कुछ सपोर्ट भी नहीं किए, लेकिन स्टूडेंट बताते हैं कि आज यहाँ पे आप बैठे हुए हैं जिस दरी पर, वो दरी जो है स्टूडेंट का ही देना है, सारा प्रक्रिया स्टूडेंट किया और वही दो या चार दिन के बाद जो है से 5 सितंबर था, और वही शिक्षक दिवस के रूप में लोग मनाया, और उसी दिन से लोग कहा कि सर आप सपोर्ट कीजिए, और बहुत लोगों के सपोर्ट करते गए, और अपना अपना जो है से नौकरी लेते गया, आते गया बच्चा और आगे जो है सक्सेस करता गया है। तो और ध्यान दीजिएगा, आज सबसे पहले मोबाइल पर मैसेज आया एकदम पुराना विद्यार्थी, जो कि एकदम पुराना हर एक साल जो था सबसे पहले व्हाट्सएप जो था उसी का आया, ऐसे बीच में बात हो चाहे नहीं हुए लेकिन एकदम व्हाट्सएप पर एकदम देसी आग जोड़ा देख रहे हैं उसका व्हाट्सएप आया हुआ है। तो फिर और जॉब कर रहा है लोग समझ गए, तो देखिए अभी उसको जो होता है उसको अनुभव है, उसको याद रहता है कि भाई बिना गुरु के बिना माता पिता के बाहर कोई चीज नहीं होता, तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि कितनों ऊंचा पोस्ट पर चले जाइए, आप जो है गुरु को नहीं छोड़िए, जहादी अगर इस तरह का फोन अगर मन में बन जाएगा तो समझिए कि आगे जीवन में वहीं पर जीवन का रुकावट रुक जाता है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो छोटे मोटे जॉब भी ले लेते हैं तो अपने आप में जो है उनमें हमता हो जाता है कि अब हम क्या, अब हमको सामने सर क्या, तो अरे भाई हम तो आपको बनाए हैं शुरू से अंत तक तो हमको आप क्या हिसाब की, तो ऐसा मन में टीचर के प्रति कभी नहीं होना चाहिए, और टीचर को भी स्टूडेंट के प्रति कभी निगेटिव कभी गलत सोच नहीं होना चाहिए, बताते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट जो है आपके साथ मेहनत कर रहा है और आप उसको गलत लाइन दिखाना चालू कर दिए, तो
तो ये टीचर का गुण नहीं होना चाहिए। हमसे जितना सपोर्ट बनेगा उतना हम सपोर्ट जब भी करेंगे तो पॉजिटिव लाइन नहीं करेंगे। अब आप पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को मेरे तरफ से 400 घंटा सुविधा उपलब्ध रहता है। आप कभी भी किसी रूप में चलाइएगा, हम साथ एनी टाइम देने के लिए तैयार रहते हैं, बस बशर्ते जब हम स्वस्थ रहें तब। अभी नहीं कि अब हम जो स्वस्थ नहीं है और कहें कि भाई ऐसे कीजिए तो भाई कहां से होगा। तो हमसे जितना बनता उतना करते हैं और अभी से बताते हैं, प्रण कर लीजिए, ठान लीजिए कि जब तक हम लोग का जॉब नहीं होता है तब तक जो है गुरु का साथ नहीं छोड़े। और साथ क्या माने, जीवन में हमेशा एक बार जरूर याद रखें क्योंकि गुरु ही आपको मार्ग दिखाएगा और उस मार्ग पर आप सही ढंग से चलिएगा तो सही चीज आप पाइएगा। तो इसलिए यही मेरा अंतिम आप लोग से शुभकामनाएं हैं कि हमेशा आप मेहनत करिए 4 घंटा 5 घंटा और आगे मुझे विकास कीजिए। कभी गलत लाइन पर नहीं जाइए, अगर कोई गलत लाइन पर ले जाता है तो तुरंत डिसीजन लीजिए कि अभी से हमको मोड़ लेना है, क्योंकि अभी के समय में जो है समय के अनुसार देखते हुए बहुत लोग जो होता है लाइन से बेलाइन भटक जाता है। तो ऐसा भटकना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग अब छोटा बच्चा नहीं रह गए, हम लोग एक दो साल के बाद हम लोग आप लोग सब जीवन बन जाएगा। तो जैसे आप गलत करिएगा तो आपके पीढ़ी पीछे वाला क्या करेगा, वो तो आप गलत कर देगा। तो इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सही मेहनत किया जाए और सही समय पर हर चीज कीजिए, वो आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएगा। बस इसी के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।